हाँ जी, तो ग्लोब याद है आप लोगों को, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर याद है, ठीक है। ग्रिड लाइंस याद है आपको, ग्रिड लाइंस, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स, हाँ लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड याद है आप लोगों को, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है? हाँ जी, लैटिट्यूड पढ़ा था मैंने आपको। लैटिट्यूड क्या होता है? पैरेलल इमेजिनरी लाइंस होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, हॉरिजॉन्टल होता है वो लोग। कौन से मेजर लैटिट्यूड्स पढ़ाए थे मैंने आपको लास्ट क्लास में, याद है? मेजर लैटिट्यूड्स कौन से कौन से? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूड होता है क्या? वर्टिकल लॉन्जिट्यूड होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है लैटिट्यूड होता है। होता है। यस, हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड होता है बॉस। हाँ जी, तो आपको याद है ये वाले लाइंस, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम पढ़ाए थे, इक्वेटर वो सब, बाकी के पांच लाइंस बताओ कौन से थे। हाँ जी, कौन से थे लास्ट टाइम बाकी मैंने के बाद पढ़ाए थे? सर पैरेलल पैरेलल हाँ जी, कौन से लाइंस थे? अरे पैरेलल पैरेलल तो होता है कि एक दूसरे के साथ में, इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ग्रिड्स पढ़ाते ना मैंने आपको, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हाँ आर्कटिक, एंटार्कटिक, याद है 23.5 डिग्री पे क्या सर था? इम्पोर्टेंट। हाँ यस हाँ जी, सर क्या अब पढ़ा याद था मैं है। आपको लास्ट टाइम? एक ग्लोब इमेजिन करो, ग्लोब के बीचों बीच क्या पास होता था? इक्वेटर। ग्लोब के ऊपर क्या पास होता था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ग्लोब ट्रॉपिक के नीचे साउथ में ऑफ क्या पास होता था? कैंसर ट्रॉपिक ऑफ यस कैप्रिकॉन। ग्लोब के ऊपर 23.5 डिग्री पे क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। 66.5 डिग्री पे क्या था? आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक। उसके नीचे क्या था? 66.5 डिग्री पे एंटार्कटिक। नहीं याद है? लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, बोला था होमवर्क पढ़ के आओ, एक बार खुद से पढ़ो। हाँ जी, अमन नमन को को नहीं याद है, आपको याद सर था? उसको भी नहीं आता है। पूछिए अच्छा आपको याद था, चलिए बताइए ना टोरॉइड जोन कौन सा था? टोरॉइड जोन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में। फिर जो ना हाँ जी, सर व्हाट इज टोरॉइड जोन व्हाट टॉरॉइड इज जोन, यस, व्हाट इज टॉरॉइड जोन? टॉरॉइड जोन पढ़ा था मैंने आपको, टेम्परेट जोन पढ़ाया था और फ्रिज जोन पढ़ाया था, तीन जोन्स पढ़ाए थे, याद है? वाटर टोरट जोन्स सर व्हाट आर टॉरॉइड जोन? टॉरॉइड, TORRID, टॉरॉइड, याद है? हाँ टोरट की टोरट टॉरॉइड, टॉरॉइड, अरे प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, व्हाट इज टोरन जोन टॉरिड जोन। चलो टॉरिड जोन बताओ, व्हाट इज टॉरिड जोन? टोरेंट जोन है सर आपका हाँ जी बताइए, मैं आप लोगों को बोला था लास्ट क्लास में पढ़ के आने के लिए। हाँ जी, नहीं याद किसी को? चलिए मैं बताता हूँ, हेलो इसलिए आप नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आओगे, ठीक है? ये क्लास टोटली वेस्ट हो रहा है अपना, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल पढ़ के नहीं आए जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर पढ़ लिया रहता तो ये क्लास में भी हम लोग आज आगे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। आज आप लोगों को सिर्फ लास्ट क्लास का रिविजन कराते कराते क्लास खत्म हो गई। ट्रॉपिक हाँ जी, जोन भी कहते हैं यस ट्रॉपिकल जोन कहते हैं टॉरिड जोन को। सर बुक में तो लिखा है टॉरिड ट्रॉपिकल जोन नहीं होता, टॉरिड जोन क्या होता जोन है? को सुनो तो सुनो, मैं बताता हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद है? दिमाग में सोचो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नीचे कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैंसर नीचे कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, मतलब बीच में इक्वेटर पास होता है,
होता है ना बुक में, देखो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है, एक पेज नंबर 98 पे, पेज नंबर 98 पे आप लोग एक डायग्राम दिया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक बीच में जहाँ पे इक्वेटर पास होता है वो क्या है, टोरिड जोन है। वहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि वहां से इक्वेटर पास होता है, सन के रेज वहां पे परपेंडिकुलर गिरते हैं, सन के रेज एकदम उसी पे गिरते हैं, इसलिए वहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको टेम्परेट जोन बनाया था, टेम्परेट जोन टेम्परेट जोन पढ़ा था मैंने, उसके बाद आप लोगों को टेम्परेट जोन। याद है टेम्परेट जोन? नहीं याद? टेम्परेट जोन, यस सर, टेम्परेट जोन लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने आपको, तीन जोन्स पढ़ाए थे आप लोगों को, मैंने बोला था कि लाइंस है, लाइंस ये व्हाट इज टेम्परेट जोन, यस व्हाट इज टेम्परेट जोन। सर हमें एक बार बताएं सर, सर इंग्लिश में बताते हैं, ईच ऑफ द टू बेल्ट्स ऑफ लैटिट्यूड। अरे बहुत किताब से नहीं पढ़ो, किताब से नहीं पढ़ना भाई, लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको मैंने बोला था घर पे किताब से पढ़ो, समझो, जो नहीं समझ में आ रहा है वो डाउट पूछो, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब डाउट पूछो, मेरे सामने किताब से क्यों पढ़ोगे आप, मेरे सामने किताब से मत पढ़ो ना, मेरे सामने मुझसे पढ़ो, मैं पढ़ाता हूँ आपको, नहीं आता नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन बाबू नेक्स्ट टाइम से किताब से पढ़ के आया करो, ये तो क्या होता है अपना पूरा क्लास वेस्ट हो जाता है, लास्ट क्लास में मैंने वही चीज पढ़ाया, आज भी मैंने वही चीज पढ़ाया, हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, मतलब मैंने अगर आपको एक बार कुछ पढ़ा दिया और आपको बोला कि आप एक बार होमवर्क में वो चैप्टर पढ़ के आओ, तो वो चैप्टर क्या होगा आप लोग को एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, तो अगली बार हम 2 मिनट उसका रिविजन करेंगे और आगे चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा हमें पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगली बार से जब मैं आपको बोलता हूँ कि ये चैप्टर मैंने इतना यहाँ तक पढ़ा दिया, ये पेज नंबर तक आप लोग पढ़ के आओ एक बार घर पे टेक्स्ट बुक में, तो अगली बार से आपको वो पढ़ के आना, ठीक है, उसको मिस मत किया करो, बहुत छोटा सा होता है, 2 पेज पढ़ना होता है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, ओके चलिए सब लोग प्रॉमिस करो मुझे कि नेक्स्ट टाइम से पढ़ के आओगे आप लोग, मैं भी आपको फिर से बता देता हूँ क्योंकि आप लोग भूल चुके हो, मैं आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था, अभी तक आपके दिमाग से वो चीज निकल चुका है, ठीक है, तो इसलिए मुझे आपको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूँ टेम्परेट जोन, अब देखो टोरिड जोन सबको समझ में आ गया, टोरिड जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक के बीच में जो लाइन जो एरिया है वो टोरिड जोन होता है, वहां क्या होती है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन टोरिड जोन के बाद वाले जो 2 जोन होते हैं, ठीक है, अब बुक में देखोगे वहां पे आपको येलो कलर में दिखेगा, टोरिड जोन के बाद में जो 2 जोन होते हैं, ठीक है, उसको टेम्परेट जोन कहते हैं। तो टेम्परेट जोन कहाँ से होता है, तो टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके एंटार्कटिक सर्कल तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कौन बोलेगा, नमन बताएगा मुझे, नमन टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, ठीक है सर, हाँ जी बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो आप दिमाग में आपको लाइन बिठाना पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नहीं 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 सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ऊपर तक, ऊपर आर्कटिक सर्कल तक, अगर जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना,
उस जगह पे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को कैंसर हो जाएगा? नहीं, उस जगह पे जाओगे तो कैंसर नहीं हो जाएगा, उसको ऐसे नाम दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कई लोगों की राशि होती है कैंसर, मतलब कि उनको कैंसर हो जाए। राशि सुने आप? कैंसर, एरिस, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियन, सनशाइन, पढ़ा आपने किसी ने? मेष राशि, वो सब बोलते हैं ना यार, सुना है? सुना है कभी मेष राशि? हाँ, तो उसको इंग्लिश में ना कैंसर बोलते हैं। एक राशि होता है, एक सनशाइन होता है, उसका नाम कैंसर होता है। उसका मतलब थोड़ा ना लोगों को कैंसर हो जाएगा। ओके, तो टेम्परेट जोन समझ में आपको? टेम्परेट जोन कहाँ होते हैं? ऊपर के दो जोन्स। टॉरेट जोन के ऊपर के दो जोन्स कौन से होते हैं? टेम्परेट जोन होते हैं। अब टेम्परेट जोन के ऊपर में जो तो पोल्स पे है वो कौन से होते हैं? फ्रिज जोन होते हैं। मतलब क्या? आर्कटिक सर्कल से लेके पोल तक, एंटार्कटिक सर्कल से लेके पोल तक, मतलब ऊपर से लेके पोल तक, नीचे से लेके पोल तक, वो क्या हो गया? फ्रिज जोन हो गए। वहां पे क्या होती है? हमेशा बर्फ रहती है, ठीक है? वो एरिया में 6 महीना दिन 6 महीना रात भी होता है, ठीक है, याद रखना। वो एरिया में 6 महीने तक कंटिन्यू दिन रहती है, 6 महीने तक कंटिन्यू रात होती है। को बता सकता है मुझे क्यों ऐसा क्यों होता है? सन की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। सन की रोशनी क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्या तो वो सन से बहुत दूर होगी? सन से दूर होता है, लेकिन कैसे? रीजन क्या है सन से क्यों दूर होता है वो? और 6 महीने बाद पास कैसे आ जाता है वो? नहीं, अगर दूर है तो दूर रहो ना, 6 महीने बाद पास कैसे आ गए आप? ऐसे कैसे? सर रोटेट करता है इसलिए। रोटेट करता है इसलिए? रोटेट तो 24 घंटे में एक बार करता है अर्थ। लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था ना, रोटेशन रेवोल्यूशन पढ़ाया था मैंने। रोटेट तो 24 घंटे में एक बार करता है। चलिए मैं बताता हूँ, ये देखो, ये हो गया अर्थ। ये अर्थ है सपोज, मान लो, ठीक है, देखो ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ ऐसे नहीं है, अर्थ ऐसे है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। अर्थ कैसे है? थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा। तो अर्थ अब इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या करती रहती है? रोटेट करती रहती है, रोटेट करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो अगर, और ये सन है मेरा, ठीक है, सपोज ये सन है मेरा, ये पॉइंट जो है मेरा सन है, ठीक है। अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। अभी क्या होगा? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ऊपर वाला नॉर्थ वाला पॉइंट, यहाँ पे रोशनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? पड़ेगी रोशनी, क्योंकि ये पीछे ऐसा है, यहाँ रोशनी नहीं पड़ेगी। लेकिन साउथ वाले पार्ट पे इनका रोशनी पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे रोशनी पड़ रहा है, नॉर्थ वाले पे नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे अभी ये रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अभी जो 6 महीना रहेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लाइट पड़ रही है इस पे, ठीक है, लाइट पड़ रही है। यहाँ पे दिन है अभी, लेकिन यहाँ पे रात है। नॉर्थ पे लाइट रात है, साउथ पे दिन है। अब जब ये घूम के यहाँ आ जाएगी, ये घूम के जब यहाँ आ जाएगी, ठीक है, अब क्या होगा? अब साउथ में दिन हो जाएगा, नॉर्थ में रात हो जाएगी। अब ये यहाँ से रोटेट कर रही है, यहाँ से रिवॉल्व करते आई, करते आई, करते आई, यहाँ पे दिन है, यहाँ पे रात है, यहाँ पे दिन है, यहाँ पे रात है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, समझ में आ गया? तो कोई बात नहीं, अब एक काम करो आप लोग, ठीक है, आप लोग यहाँ तक फ्रिज जोन तक, मतलब लैटिट्यूड पूरा, आप लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे, ठीक है। एटलीस्ट लाइन बाय लाइन उसको पढ़ के आओ, उसको समझने की कोशिश करो। जो चीज नहीं समझ में आता है नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछो, ठीक है। अभी क्या होता है ना, इतना डर का क्लास था क्या? इतना डर का क्लास था सर? इतना देर का क्लास नहीं था, आप लोगों का थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। अभी मेरा नेक्स्ट क्लास है 8th स्टैंडर्ड में, फिर आप लोगों के बाद उसका क्लास लेट हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला क्लास लेट हो जाएगा, उसके बाद अगला क्लास लेट हो जाएगा, ऐसे में सर कभी कभी लेट हो जाएगा। हाँ, ऐसे पूरा स्कूल लेट हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं, आप लोग यहाँ तक पूरा पढ़ के आओ फ्रिज जोन तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर पढ़ के नहीं आओगे तो क्लास नहीं लूंगा।
सर आप अपने लैपटॉप में जो वो दिखाया हुआ थे सर। हाँ जी सर, आप अपने लैपटॉप में जो अर्थ का डायग्राम दिखाया था सर, उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज दीजिए सर। इसमें पूरा अच्छे से नहीं दिया हुआ है। बुक में दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है भाई। सर उसका बुक में अच्छे से। अनिश आपके पास बुक है क्या, ये एडियो कार्ड वाला बुक है आपके पास? यस सर। है ना, तो इसमें तो दिया हुआ है सब कुछ, फ्रिज जोन, टेम्परेट जोन, कूलर। सर उतना अच्छे से नहीं हुआ होगा, प्रिंट नहीं हुआ होगा अच्छे से। सर अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ होगा। अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है क्या? मैं फोटो लेके भेज देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है? आप लोग यहाँ तक पढ़ लेना लेकिन एटलीस्ट। ओके जी भाई, कौन है आप? सतीश। सतीश आप पेज नंबर 97-98, ठीक है? पेज नंबर 97-98 आपको पढ़ के आना है। किताब है आपके पास? यस सर। किताब है ना? हाँ, तो पेज नंबर 97-98, ठीक है? पढ़ के आना है। पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट्स पूछूंगा, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। आप लोगों को नहीं आया फिर आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, फिर यही पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसलिए सब लोग कलेक्टिवली अपना अपना पढ़ के आओ। ओके ओके। क्या बोले अंश? लगता तो नहीं है सर कि पूरा खत्म हो पाएगा। अरे सब खत्म हो जाएगा, आप लोग कोऑपरेट तो करो, आप लोग पढ़ के तो आया करो। चैप्टर क्या होता है, 2 मिनट का रिवीजन हो जाएगा, 2 मिनट का पिछला रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद अगला खत्म हो जाएगा। सर सर बताइए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी ऑनलाइन ही होगा? नहीं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम लोग सोच रहे ऑफलाइन रखने का। पेरेंट्स को बताना पड़ेगा ना, काफी बच्चे आ रहे हैं आप लोग के क्लास से। मेघा आ रही है, आरव आ रहा है, कोई आया? अच्छा अच्छा, ये लोग अगले क्लास के हैं, 8 स्टैंडर्ड के हैं, ये लोग 8 स्टैंडर्ड के ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? हां चलो ठीक है। बस मेघा भी दीदी आ गई। हां जी आरती। हां चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में याद से पढ़ के आओ। ओके यस सर।